हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर, जो जुलाई 2022 के डीसी के स्टूडेंट्स हैं और वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आ रही है काफ़ी समस्याएं, उनको आ रही है काफ़ी प्रॉब्लम्स। तो मैम, अब उन प्रॉब्लम्स का क्या किया जाए? वो तो सॉल्व ही नहीं हो पा रही और लास्ट डेट बिल्कुल पास आ रही है। बच्चे बार बार ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं या हमारे पास मैसेज आते हैं, सिमरन मैम कोई सॉल्यूशन बताओ, हमने बहुत ट्राई किया प्रोजेक्ट को अपलोड करने का, कंप्यूटर से भी अपलोड करके देख लिया, फोन से भी अपलोड करके देख लिया, फेज टू में जाके अटक ही जाता है, या कुछ का तो नॉट एलिजिबल टू सबमिट ही प्रोजेक्ट आ रहा है तो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे। मैम अब क्या करें, लास्ट डेट भी आने वाली है। तो मैंने तुम लोगों को कहा था, क्या कहा था, कि इग्नू ग्रीवियंस पे जाके क्वेरी डाल दो कि तुम्हें ये दिक्कत आ रही है, सामने से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत से बच्चों ने इग्नू ग्रीवियंस पे क्वेरी डाली थी। जिन बच्चों ने इग्नू ग्रीवियंस पे क्वेरी डाली थी तो उनके रीजनल सेंटर की तरफ से ऑलमोस्ट बच्चों को यही रिप्लाई आया है कि आप ट्राई करो पोर्टल पे अपलोड करने की, हो जाएगा, अगर हो जाता है वेल एंड गुड। ठीक है। और कुछ रीजनल सेंटर वालों का रिप्लाई आया था कि अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट कर सकते हो दिल्ली मैदान गढ़ी वाले एड्रेस पर। ठीक है जी। अब ऑनलाइन तो जैसे बच्चे अपलोड कर रहे हैं, कोई अपलोड कर नहीं पा रहा। ठीक है जी, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अब आप सेकेंड ऑप्शन अपना लो, स्पीड पोस्ट कर दो अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है। अब पहली चीज आपको क्या जरूर 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 ध्यान रखनी है, जरूर जरूर इतनी बार बोल रही हूँ तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। फिर ये मत बोलना कि सिमरन मैम डांट देती है। देखो, अगर आप किसी को मैम बोलते हो या सर बोलते हो ना, तो उनका फर्ज बनता है जो जो करेक्ट चीजें हैं वो आपको समझाना, चाहे प्यार से समझाएं या डांट के समझाएं। तो कभी कभी इसलिए हमें आपको डांटना पड़ जाता है। क्या दिक्कत आती है, तुम लोग अपने प्रोजेक्ट को कर देते हो स्पीड पोस्ट, मान लो कभी रस्ते में मिसप्लेस हो गया, वहां रिसीव हुआ है या नहीं हुआ तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होता, और बाद में कहते हो अरे मैम ये चीज तो मैंने सोची नहीं। तो इसलिए क्या बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की पीडीएफ बनाकर जरूर रखोगे अपने पास। ठीक है। शुरू से लेकर आखिर तक आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया है उसकी पूरी पूरी पीडीएफ बना के अपने पास जरूर रख लेना, ताकि कल को आपका रिजल्ट नहीं आता है या कोई बात दिक्कत हो जाती है या उन तक पहुंचा नहीं तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा था, मैंने ऐसा बनाया था। डन हो गई बात? ठीक है जी, डन हो गई। दूसरी बात ये, आपने मान लो प्रोजेक्ट को करा स्पीड पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट जहां से करा तो वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी देते हैं, एक ट्रैकिंग आईडी देती है, तो वो ट्रैकिंग आईडी में ना एक आपका पार्सल नंबर समथिंग होता है, तो वो जब आप गूगल पे उनकी वेबसाइट पे डालते हो तो वो शो हो जाता है कि आपका पार्सल कहां तक पहुंचा है, रिसीव हो गया है या नहीं। क्या करते हो तुम, प्रोजेक्ट बना के इतना थक जाते हो, पहले तो पीडीएफ नहीं बनाते, पहली गलती। दूसरी गलती, प्रोजेक्ट जब स्पीड पोस्ट करके आ जाते हैं वो रिसीट देते हैं, बस जेब में कहीं रख लेते हैं, दो तीन दिन याद रहते हैं कि हाँ ये रिसीट संभाल के रखनी है, फिर कर देते हो गुम कर देते हो, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं रह जाता कि तुमने प्रोजेक्ट सबमिट किया है या नहीं। बाद में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ होता नहीं है। तो कृपया करके जब वो रिसीट मिलेगी एक उसकी फोटो खींच के अपने फोन में रख लेना और उस रिसीट को संभाल के रखना, ताकि कल को आपका प्रोजेक्ट वहां पहुंचा नहीं पहुंचा या कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास प्रोजेक्ट का कि आपने सबमिट कराया भेजा है प्रूफ रहना चाहिए। दो खास बातें समझ आ गई? जी मैडम, बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं मैम प्रोजेक्ट बना लिया, पीडीएफ बना ली, लेकिन जैसे अब उसको सबमिट करना है तो उसकी क्या सीक्वेंस होगी? सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले आप एक फ्रंट पेज लगाओगे। एक और बड़ी बात क्या है मैम, प्रोजेक्ट को किस चीज में डाल के भेजना है, किस चीज में डाल के भेजना है, यानी कि कैसी फाइल लेनी है। देखो, प्रेफर करते हैं कि आप ना प्लास्टिक वाली फाइल ना लो, तो आप गत्ते वाली फाइल ले सकते हो। गत्ते वाली फाइल कैसे ले सकते हो? देखो, जैसे ये है ना, ऐसे आप गत्ते वाली फाइल ले सकते हो, इसके अंदर जैसे शीट्स लगा सकते हो ना, ऐसी गत्ते वाली फाइल लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आप लगाओगे फ्रंट पेज जिसके अंदर आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स लिखोगे, नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, डी ऊपर डीईसी फॉर प्रोजेक्ट, सारी की सारी डिटेल्स जो आपको पता हो वो सारी लिख दोगे। उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद अपने आई कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना। ठीक है जी। उसके बाद एक पेज लगा देना जो आपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करी हैं, यूट्यूब पे अपलोड करी है ना फेज टू और फेज थ्री की, उन वीडियोस के लिंक्स लिख देना।
वैसे तो क्या कर सकते हो आप, उन लिंक्स को वर्ड में कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसका प्रिंटआउट भी लगा सकते हो, क्योंकि लिंक्स लिखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो सीधा कॉपी करा एक्टिविटी वन, उसका लिंक कॉपी करा, वर्ड में पेस्ट कर दिया, ठीक है। डे टू मतलब एक्टिविटी टू, उसका लिंक पेस्ट कर दिया, ऐसे सारे लिंक्स आ जाते हैं, उसका प्रिंटआउट करके वो पेज लगा देना। हैंड रिटन लिखने हो तो हैंड रिटन लिख लेना। एक और बड़ी चीज मुझे याद आई जो तुम हमेशा गलती करते हो, मैम बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मैम हार्ड कॉपी मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। देखो मेरा फर्ज बनता है आपको ये चीज बताना कि अगर कोई आपको ये कहता है कि हम आपको प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी दे देंगे, हम आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे, हम आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे, तो कृपया करके उनकी बातों में मत आना, कृपया करके ऐसा मत करना, क्योंकि 6 महीने बाद आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट के साथ 1000 का आपको लगेगा, साथ में आपको इग्नू को भरना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट भी बना के भेजना पड़ेगा, क्योंकि रीसबमिशन की वो फीस लग जाती है, और आपका डिप्लोमा आगे खिंच जाएगा, बीच में कोई वैकेंसी आ जाएगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कई बार आपकी हैंडराइटिंग मैच कर ली जाती है, बना बनाया किसी से लिख के दोगे, उन्होंने 10 लोगों को उड़ दिया होगा, हैंडराइटिंग मैच हो जाएगी, रिजेक्ट। वीडियोस किसी और की लगा दोगे तो क्या उनको नहीं पता, जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने अपनी फोटो डाली थी, ठीक है, आई कार्ड में आपकी फोटो होती है, क्या वो उससे मैच नहीं करेंगे कि आप ये वही बच्चा है वो पढ़ा रहा है या नहीं? इतना आसानी से वो नई टीचर बनाएंगे, तो होगा कि आप किसी को इतने सारे पैसे भर दोगे तो उसके पास तो पैसे चले गए, लेकिन आपके पैसे हो जाएंगे वेस्ट, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट। टीचर बनना चाहते हो तो सच्चे दिल से टीचर बनो, वीडियो अच्छी बन रही है बुरी बन रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, गलतियां करोगे, अच्छा पढ़ाओगे बुरा पढ़ाओगे एवरेज पढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाना खुद है, खुद की वीडियो बनानी है। मैम वीडियो किस चीज की बनानी है? दूसरे और तीसरे चरण में जो जो एक्टिविटीज लिखी है उनको पढ़ाते हुए की 5-5 मिनट की वीडियो बनानी है, बस 5 मिनट यूं निकल जाते हैं वीडियो बनाने के और पता भी नहीं चलते। डन हो गई बात? बिल्कुल डन हो गई। सबसे पहले फ्रंट पेज, आई कार्ड, फिर लिंक्स वाला पेज जिसपे आपने अपनी वीडियोस के लिंक लिखे हैं, उसके बाद लगा देना एनेक्स्टर्स। एनेक्स्टर कौन कौन से भरने हैं, जैसे कि आप जब हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो मैं ब्लैंक एनेक्स्टर्स की पीडीएफ देती हूँ और वीडियो देती हूँ, उन्हें कैसे भरना है, बस वैसे उनको एनेक्स्टर्स को लगाना है। एंड देन पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे कोई बड़ी सी फाइल ले लेना, उसके अंदर डाल देना सारा का सारा सामान, इसको फिर ऐसे खाकी लिफाफा या येलो कलर का जो लिफाफा आता है उसमें डाल के ऊपर इग्नू का दिल्ली हेड ऑफिस मैदानगढ़ी में जो एड्रेस पे प्रोजेक्ट भेजना है। अब मैं आपको यहाँ पर वो वाला एड्रेस अटैच कर रही हूँ जो रीजनल सेंटर वाले रिप्लाई कर रहे हैं। देखो आपकी DC-4 की बुक में जो एड्रेस लिखा हुआ है उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि डिवीजन ये, ब्लॉक नंबर ये, लेकिन अब बच्चे जब इग्नू ग्रीवियंस पे क्वेरी डाल रहे थे तो उनके रीजनल सेंटर की तरफ से जो रिप्लाई आया था कि आपको प्रोजेक्ट यहाँ भेजना है, वो वाला एड्रेस मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, उस एड्रेस पे भेज देना। नीचे लिख देना फ्रॉम, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, कोर्स लिख देना DC-4 प्रोजेक्ट, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सारा कुछ करके प्रोजेक्ट को कर देना स्पीड पोस्ट। अगर कोई सोच रहा है कि मैं लास्ट डे 31 मई को करूंगा तो कृपया करके ये गलती ना करना, कम से कम 5 से 6 दिन पहले कर देना ताकि 31 मई तक उनके पास प्रोजेक्ट पहुंच जाए। एक और बड़ी समस्या, क्या समस्या मैम? अगर अब हम प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाए तो क्या हम पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, पेपर आप दे सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है आपने असाइनमेंट दिए मार्क्स लगे, पेपर दिए मार्क्स लगे, लेकिन प्रोजेक्ट दिया नहीं तो उसके मार्क्स लगेंगे नहीं। फिर आप अपना प्रोजेक्ट अगली बार अक्टूबर तक सबमिट करोगे तो उसका रिजल्ट 6 महीने बाद आएगा, तो आपका जो डिप्लोमा होगा ना वो 7-8 महीने आगे खिंच जाएगा। दिक्कत और कुछ नहीं होगी, बस आपका डिप्लोमा आगे खिंच जाएगा। अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाद में सबमिट कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत है जो आप नहीं बना पा रहे तो ठीक है बाद में सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी राय मानोगे तो अभी टाइम है, थोड़ी सी मेहनत फटाफट ज्यादा करके प्रोजेक्ट सबमिट कर देना, सो दैट डिप्लोमा हो जाए बिल्कुल कंप्लीट, बीच में कोई वैकेंसी आए तो कोई दिक्कत ना हो, आप उसमें अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब ले सको और लाइफ पे सेटल डाउन हो जाओ। प्रोजेक्ट को लेकर और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अगर सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए, सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ जिसमें से देखकर आप अपने प्रोजेक्ट को लिख सकते हो, ठीक है, बेस्ट तरीका यही होता है जिससे कि हमारे कितने स्टूडेंट्स के 90+ मार्क्स आए हैं, 80+ की तो ऐसे लिस्ट मेरे फोन में भरी हुई है कि मैं मार्कशीट्स देखकर बस ऐसे ही खुश होती रहती, वाह यार इसके भी अच्छे नंबर आए हैं, इसके भी अच्छे नंबर आए हैं, और इनफैक्ट कुछ कुछ बच्चों के 95-97 मार्क्स भी आए हैं, क्योंकि हम उनको प्रॉपर जो बेस्ट तरीका है उनको वो सजेस्ट करते हैं
कि प्रोजेक्ट की सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेनी है हमसे ले लो, लेकिन लिखना आपको खुद है अपनी हैंडराइटिंग में। एक्टिविटीज इतनी बढ़िया बढ़िया वाला हम प्रोजेक्ट देंगे कि इतने अच्छे नंबर आसानी से आ जाएंगे, है ना। सॉल्व असाइनमेंट लेने हैं, प्रोजेक्ट लेने हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लेना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिलेगा जो कि आपको वीडियो पर शो रहा है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह गया तो नीचे कमेंट कर लेना, मैं आंसर कर दूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहो तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे गिवन है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।